अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मिठी बना रही है करेले गोश्त, करेले चिकन, मतलब वो भी गोश्त, चिकन करेले, चिकन करेले, वही गोश्त ही होता है। तो गोश्त बड़ा गोश्त होता है, वो चिकन होता है। चिकन। तो आप मुझे बताओ, ये मुझे सही लगती है कि कटवा दूं? नहीं नहीं अच्छी लगती है, अच्छी मुझसे पूछो। आपसे ही पूछे मैंने, आपने बोला आप लोग बता रहे। मैंने बोले आप बताओ। अच्छा मैं बताऊं? आप लोग नहीं बोले। ठीक है, सैमी क्या कह रहा है? क्या क्या सैमी कहता? मैंने भी आना है बोलता। अच्छा। मैंने भी आना है। आज 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 ये आ गया। हाय कर दे सैम, हाय कर दो। आज इतने दिनों के बाद सैम ठीक हो गया है। ठीक है, फिर भी देख लो, नजरें झुका रहा है, नजरें झुका रहा है, सुमन मेरे साथ बहुत करता है। तो चलो मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो अभी बनाने लगी, उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए और टिकटॉक पर भी हमें फॉलो कर लो। कौन से चैनल की बात कर रहे? सोनिया व्लॉग की। कितना चला की देख लो। सोनिया व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इधर आके करेले अभी मैं रखने लगी, फ्राई करने लगी हूँ। तो चिकन अभी लेने गया है शहजाद, तो जैसे वो आता है तो वैसे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और वो क्या बोलते हैं, वो पता नहीं कहाँ है मसाला, मैंने पता नहीं कहाँ रखा है। धोने लगी हूँ चिकन, धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, तो साथ साथ ये ब्राउन हो जाएंगे, तो साथ में मैंने फिर वो चिकन भी, चिकन धोती हूँ, चिकन को ब्राउन करती हूँ। मसाला भी बनाना है, अभी लाइट भी हमारी चली गई है तो हाथ से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, चलो मिलती हूँ आपको। वो करेले तो बन चुके हैं, ब्राउन हो चुके, थोड़े से रह गए। तो अभी मैं रखने लगी हूँ इसके अंदर, चिकन ब्राउन करने लगी, चिकन ब्राउन करके तो मसाला डालूंगी। मसाला भी मैंने पीस लिया क्योंकि लाइट नहीं आ रही हमारी, तो इसलिए मैंने इसमें बना लिया। तो चलो सही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जान सो हो गया है, इसलिए मैं खुद वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने रख दिया है ब्राउन होने के लिए, और ये तो हो चुके हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं, तो देख सकते हैं आप। तो अभी चिकन ब्राउन करूँगी और ये मसाला अभी डालूँगी इसके अंदर, धनिया, हरी मिर्ची। तो बस चिकन ब्राउन होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मसाले के साथ ही, तो फिर डालूंगी करेले, तो फिर हल्की सी आँच पे मैं रख दूंगी। हाँ क्या लेना है? तो मसाला भी मैंने डाल दिया, और सैम बहुत तंग कर रहा है, बहुत कुछ कहता मुझे पकड़ लो, पकड़ लो मुझे। देखो मसाला डाल रही हूँ, तेज कर लेती है। देखो करेले भी हो गया, तो अभी इसके अंदर मसाला वो करके अंदर का लहसुन टमाटर हनी मिर्ची सब कुछ डाल दिया। अभी मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है, तो जैसे ये हो गया था हल्का सा मैंने पानी डाला कि मतलब कि गोश्त जो है ना बोटियाँ जो गल जाए। तो फिर जब ये पानी खुशक हो जाएगा तो इसके अंदर डाल दूंगी करेले, तो मेरी हांडी हो जाएगी तैयार। देखो ब्लैड नहीं थी जल्दी, इसलिए से भी नज़र नहीं सी आ रहा। तो अभी मैं रखने लगी ढकना ऊपर, हरी मिर्ची देखो कैसे। चलो अभी मैं देखती हूँ इसको, मैंने रखी, अब मैं चाय बनाने लगी। मैंने रख दिया है, चाय भी मेरी हो रही है, हो नहीं रही क्योंकि गैस कम हो गया है। तो अभी मैं गूंदने लगी आटा, आटा गूंद के तो फिर मैं साथ ही और हांडी भी तैयार होने वाली है। बस एक मिनट लाइट जलाती, लाइट चली गई है। तो जैसे ये पकती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करेले डाल के, मतलब कि पूरी मतलब रेसिपी जैसे तैयार होती है। देखो कैसे धुआं उठ रहा है, सैम सो गया रो रो के, सैम भी जोया भी अंजान जी ट्यूशन गई है। तो ये देखो चिकन भी हो चुका रेडी, तो अभी मैं डालने लगी इसके अंदर करेले, करेले डाल के तो फिर मेरी चिकन हो जाएगी तैयार सब्जी। सब्जी हो चुकी है तैयार, देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो खाना भी शुरू हो गया है, तो अभी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। और अम्मी लोगों का दरवाजा भी लगने लगा है, दरवाजा बोल रहा मैं आपको दिखाती हूँ। दरवाजा सेम वही जैसा हमारा था बिल्कुल, क्योंकि मैंने अम्मी को बोला था कि जैसा हमारा दरवाजा वैसे ही अभी मंगवाना। तो ये देखो कमरे के दरवाजे भी एक जैसे, अभी ये बस ये बैठी के ना ये रह के ये बस अभी बस इसका काम करवाना है, तो फिर उसके बाद हमारा घर भी कम्प्लीट तैयार हो जाएगा। तो खाना मेरा हो चुका तैयार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने ईद की, तो बिट्टी और मैं जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। बिट्टी इधर बैठी हुई थी, तो बिट्टी चिलुंगी में झूले दे रही थी। जो मैं बीच में थोड़ी किसके वे पत्थर नहीं मारो। अंजलि कहाँ है? अंजलि ट्यूशन गई है। अंजलि ट्यूशन गई हुई है, तो हम मैं और बिट्टी जा रहे हैं, तो आप भी साथ बने रहें। और कुछ खाने ये क्या कर रही है, उठ जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो आप हमारे साथ दे रही थी सोया को, तो हम जाने लगे बाहर क्योंकि वो रोएगी फिर अगर मैं ऐसे चली गई। कैसे चली गई? तो फिर कैसे जाओगे? मतलब कि उसको सुला दूँ ना। अच्छा सुला के जाएं? नहीं उसको सुला के नहीं, उसको अम्मी संभालेगी। ठीक है अम्मी के पास रहेगी। वैसे भी बाहर आपको पता हालात सही नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं जाना चाहिए। तो हालात सही नहीं है, तो हमने उस दिन भी कहीं जाना है लेकिन जोया घर पे ही रहे। कल कल जाना है। कल जाना है फार्म हाउस। फार्म हाउस जाना है कल, फार्म हाउस जाना है। और किसकी बर्थडे? रिमशा की। रिमशा ही कह रहा ना। हाँ रिमशा की बर्थडे है, मतलब के नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कोई आंटी है ना बेटी। तो चले चलते हैं बाहर। हम लोग शॉपिंग करने आए तो क्या हुआ? तो बाजार बंद है, बाजार बंद है, सारी जगह बंद है। अब क्या करें? हमने ये ले लिया फ्रूट चाट, समोसे। और ये पीछे देख रहे हैं रोड कितना ब्लैक है। 15 साल बाद बड़ा है, बना है 15 साल बाद बना है ना। शुक्र करो बन गया, शुक्र करो बन गया 15 साल बाद। जिसने भी बनवाया उसकी मेहरबानी। ठीक है इधर से ऐसे ठाक 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 कर गया हमारी पूजा। खुड़खुड़िया रोड तंग आ जाते थे, इधर कोई आता ही नहीं था, कहते थे गाड़ियाँ खराब होती, गाड़ियाँ खराब होती है। हम रक्षा कराते थे, बोलते थे रक्षा खराब, टैक्सी कराते बोलते थे खराब हो गया। तो हमने ये ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमें छोटे लगे। तो देखो खुड़खुड़िया। तो चलो चलते हैं घर पे, घर पे चल के मिलते हैं आप लोगों से।